हुआ, इसको क्या हुआ, ये बैठा हुआ है? इसको अभी नींद आ रहा है, आराम से रहो। मेरा खोप देखिए दीवा खरगोश का बच्चा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। गाइस, सुबह से मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, अभी शाम हुआ है तो मौसम ठीक हुआ है और धूप भी हुआ है। अभी शाम के 5 बजे और धूप देखिए कितना तेज है। गाइस, बारिश हुआ था, पूरे बारिश में मूँग भीग गया था तो अभी सूखने के लिए दिया गया है। दीवा मकई छोड़ा रही थी, मकई छुड़ाते छुड़ाते खेलने लगी मकई से। इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, ये बैठा हुआ है? इसको अभी नींद आ रहा है। किसको नींद आ रहा है? काला वाला। नींद आ रहा है उसको भी, नींद आ रहा है उसको भी, नींद आ रहा है। अभी सोने का टाइम है, नहीं इसको ऐसे ही नींद आ रहा है। भागती बहुत ज्यादा है ये, भागती बहुत है। क्या हुआ चिकू? मेरे खाउच में पानी डालने आ रही है। पानी डालने आ रही है, पानी मत डालो भीग जाएगा। क्या करेगी? नहाऊंगी इसको। नहीं, अभी शाम में नहीं नहाया जाता, शाम में नहीं। बेबी नहा लो, नहा दिया मैं अपने बेबी को, अभी नहा दिया, पोछ ले। अब पोछना इसको सूखी करके, पोछना भी चाहिए तो हम पोछ रहे अपने पोछ को। देखो मैंने नहाया तो ये बोला कि बेबी इसको देखो ना, पोछ आ गया मेरा बेबी, पोछ आ गया, पोछ। क्या कर रहे हो? पोछ रहे। पोछ रहे हो? भीग गया। हाँ। अब देख ले हाथ को प्यार दे। गाइस देखिए खरगोश कहाँ जाके छिप गया है। देखो खरगोश का बच्चा कहाँ जाके छिप गया है। वहाँ गया, वहाँ देखो, दिख नहीं रहा। अब कैसे निकाले? देखो यहाँ आके छिप गया। वो अपने ही आएगा, वो डर गया। देखो तो मेरा है चाची में। देखो छिप गया यार। देख कुछ है, कुछ है, कुछ है। देखिए दीवा गई है निकालने के लिए, मिल गया, निकल गया खरगोश। अब कहाँ जा रही है लेकर? बड़ा बोलता है ना मारता है। ये 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 देखिए दीवा खरगोश का बच्चा को निकाल लिया, अब लेकर जा रही है नीचे। और ये कौन सा कपड़ा है? मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, अगले ब्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और दीवा को देखिए बोल रही थी कि स्कूटी चलाऊँगी, स्कूटी पर बैठ गई और देखिए पैर को खींच रही है तोड़ने के लिए।